3.1 से क्वेश्चन नंबर 2। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट और 6 बॉल्स ₹3,900 के खरीदे। लेटर शी बायस अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300। और फिर बाद में उसने एक बैट और खरीदा और 2 बॉल और खरीदे और वो ₹1,300 के खरीदे। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो ये जो सिचुएशंस हैं दो, इनको आपको ज्योमेट्रिकली और एल्जेब्रिकली दोनों तरह से दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें आपके दो केस हैं और इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सम में आपके हमेशा दो केस आते हैं। कोई दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे इस बार आपका बैट है और बॉल है और इनका प्राइस है। तो एक बैट के प्राइस को आप मान लेंगे ₹1, तो लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू ₹Y। अब केस वन में है कि जो क्रिकेट कोच है वो आपका 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदता है, यानी कि 3X+6Y इज इक्वल टू 3,900। क्योंकि जब एक बैट का प्राइस एक्स है तो 3 बैट का प्राइस 3X हो गया प्लस और 6 बॉल का प्राइस 6Y हो गया और जो टोटल प्राइस बनता है वो 3,900 हो गया। इसी तरह से केस टू है। केस टू में क्या है, शी बायस अनदर बैट, यानी कि एक और बैट खरीदना है। तो एक बैट खरीदा उसने एंड 2 मोर बॉल्स, 2 बॉल यानी 2Y इनका प्राइस हो गया और इस बार उसने कितना प्राइस दिया 1,300। तो ये दो केस बन गए, दो इक्वेशन बन गई। इनको अगर एल्जेब्रिकली दिखाना है तो इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाएंगे। पहले तो अपने केस वन में आप देखिए कि दोनों तरफ आपको 3 कॉमन दिख रहा होगा, तो दोनों तरफ इसको 3 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशंस को, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो इक्वेशन आपकी छोटी हो जाएगी। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका एक्स रह गया, इसे करेंगे तो ये आपका 2Y रह गया और 39 3 से डिवाइड होके ये 1,300 हो जाता है। ये आपकी इक्वेशन वन बन गई फाइनली। अब इसे एल्जेब्रिकली दिखाने के लिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दीजिए, यानी X+2Y और ये जो सी दूसरी तरफ है ये इधर आ जाएगा तो -1,300 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो ये तो दिखा दिया एल्जेब्रिकली। इसी तरह से इसको अगर एल्जेब्रिकली दिखाएंगे तो आपका 1X का मतलब X ही होता है +2Y, ये 1,300 इधर आएगा तो माइनस का हो गया और इधर आपका 0 बच गया, इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई और ये एल्जेब्रिकली शो हो गया। अब आपको इसे ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो ज्योमेट्रिकली के लिए यानी कि ग्राफ बनाना है और ग्राफ के लिए आपको दो वैल्यूज चाहिए एक्स वाई की। तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन में से पहले आप किसी एक वेरिएबल को बिल्कुल अकेला कर लीजिए। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, इसमें से एक्स इज इक्वल टू एक्स को अकेला कर लेना है और राइट साइड में 1,300 और ये 2Y इधर चला जाएगा तो -2Y हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर आपको बारी बारी से y की वैल्यू पुट करनी है और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी और वो जो वैल्यूज़ आपकी एक्स वाई आएंगी उनके लिए आप यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए। वैल्यू निकलती रहेंगी और आप इस टेबल में भरते रहेंगे। पहले x लिखते हैं फिर y। तो अब यहाँ पे क्योंकि 1,300 है, 100 का मल्टीपल चल रहा है, तो y की जगह कोई ऐसा नंबर भरेंगे ताकि हमारा आंसर भी 100 में ही आए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ y की जगह 1 भर दें,
और यहाँ 1300 माइनस 2 हो जाए और आपको दिखाना पड़े 1298। तो उस तरह से ग्राफ नहीं बनते हैं, आपको वैल्यूज़ लेनी होती है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ग्राफ के ऊपर आपको जो बॉक्सेस होते हैं उसके हिसाब से स्केल लेना होता है। तो यहाँ वाई को मैं ले लेता हूँ 500, रख लेता हूँ। तो जब वाई की जगह मैं 500 रखूँगा तो मेरा एक्स कितना आएगा, 1300 माइनस 2 इंटू 500। तो ये 1300 माइनस 1000 हो जाएगा, तो एक्स आ जाएगा 300। यानी कि जब मैंने वाई 500 रखा तो मेरा एक्स 300 आया। मैंने यहाँ पे वैल्यू भर दी अपने बॉक्स में। अब एक वैल्यू और चाहिए, इस बार मैं वाई की जगह पे 600 भर देता हूँ। वाई इज इक्वल टू 600 लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू आएगी 1300 माइनस 2 और ब्रैकेट में 600। सॉल्व करते हैं, 1300 माइनस 6 2 ज़ार 1200, तो एक्स आ गया आपका 100। यानी जब आपने वाई 600 लिया तो आपका एक्स 100 आ गया। इन्हें यहाँ पे भर देते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। इसी तरह से आपको सेकंड इक्वेशन के लिए भी दो वैल्यूज़ निकालनी है। तो अपनी जो सेकंड इक्वेशन है आपकी, ये इसमें से भी आप एक वेरिएबल को अकेला कर लीजिए। ये आपका एक्स है, यहाँ एक्स रख लेते हैं, मैं एक्स को अकेला करूँगा। इधर आपका 1300 है, ये एक्स के पास जो प्लस 2 i है ये इधर जाएगा, तो माइनस 2 i हो गया। अब यहाँ वाई की वैल्यू पुट करते रहेंगे और हमारा कुछ एक्स आता रहेगा और उनको हम इस बॉक्स में यहाँ पे भरते रहेंगे। एक किसी तरह का बॉक्स बना लेंगे। जिसमें हम वैल्यूज लिखेंगे इस तरह से। अब आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम टू सेम आती हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपकी दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम आ रही हैं। यहाँ एक्स इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 i, यहाँ भी एक्स इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 i। यानी अगर आप इन वैल्यूज़ को लेते हैं तो आपकी यहाँ भी यही वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन मैं कुछ और लेके देखता हूँ, तो कुछ और वैल्यू लेते हैं और कुछ और वैल्यू इसके अंदर फिर आएंगी तो उससे ग्राफ बनाएंगे। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे वाई की जगह पे पहले, इस बार मैं 400 ले लेता हूँ। तो फिर मेरा एक्स आएगा, एक्स इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 और मल्टीप्लाई 400। तो ये आया 1300 माइनस 4 2 ज़ार 800, 1300 माइनस 800, ये आंसर आपका 500 आ गया। यानी कि जब 400 लिया वाई की जगह पर तो आपका एक्स 500 आ गया। अब एक वैल्यू और लेनी है, तो इस बार मैं वाई की जगह ले लेता हूँ 500 ले लेता हूँ। फिर एक्स निकल के आएगा 1300 माइनस 2 इंटू 500, 1300 माइनस ये 1000 हो जाएगा, ये माइनस होके 300 आ गया। तो जब वाई 500 लिया तो एक्स मेरा आया 300। अब दो वैल्यूज आ गई हैं दोनों इक्वेशंस की। अब इनका बनाना है आपको ग्राफ। तो देखिए ग्राफ इस तरह बनेगा। सबसे पहले तो आप अपना ग्राफ ही तैयार करेंगे। ग्राफ में इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जिसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इधर प्लस के नंबर इधर माइनस के नंबर। वर्टिकल लाइन बनाएंगे इसे वाई एक्सिस बोलते हैं, ऊपर प्लस के नंबर नीचे माइनस के नंबर। अब क्योंकि आपकी जो वैल्यूज़ आई हैं ना ये 100 के मल्टीपल में आई हैं, तो आप इसमें स्केल ले लेंगे। स्केल यानी कि एक बॉक्स को आप कितने के बराबर मान के चल रहे हैं। तो इसमें एक बॉक्स को मान के चल रहे हैं 100, तो एक एक बॉक्स के डिस्टेंस पे आपको 100 का टेबल चलना है। तो इधर 100 200 300 400 सो ऑन,
ऐसे यहाँ से ओरिजिन से निकलते हैं ये 100 200 300 सो ऑन, और इधर माइनस के, -100 -200 और फिर नीचे माइनस के। अब आपको अपनी वैल्यू पुट करनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन की देखिए, पहली है आपकी वैल्यू 300 और 500, यानी x पे 300 देखना है, y पे 500 देखना है। तो x एक्सिस पे आइए, यहाँ 300 आ गया, और y पे देखें आप 500, प्लस का है ना, तो ऊपर की तरफ वाला देखेंगे, ये है इसके सामने 500। तो जहाँ आपके ये दोनों चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी, मतलब यहाँ आप 300 से चलना शुरू कीजिए, यहाँ 5 से शुरू कीजिए, आप यहाँ पे जाके मिल जाएंगे। तो जहाँ पे ये टकराती हैं, ये आपका पॉइंट बन जाता है, और इस पॉइंट का नाम होगा 300 500, यानी x का 300, y का 500। सेकेंड वैल्यू है आपकी 100 और 600, x पे 100 देखा, y पे आपको 600 देखना है। ऐसे ऐसे सीधा चले, ये 600, ये आपका पॉइंट आ गया, इस पॉइंट का नाम है 100, 600। तो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए हैं, अब आपको इनको ज्वाइन करना है स्केल से, स्ट्रेट इन्हें ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हम सेकंड वैल्यू भरते हैं, सेकंड में है। अच्छा, ये करने के बाद ना आप इस पे इक्वेशन का नाम लिख दिया करें। पहली इक्वेशन थी ना आपकी ये, और इक्वेशन का नाम है आपका x प्लस 2y माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब आप सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज पुट करेंगे, 500 और 400। तो x पे 500 देखिए, x पे 500 आपका ये आ रहा है, और y पे 400 आपका ये आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट का नाम रखेंगे आप 500, 400। दूसरा 300 और 500, 300 ये रहा, 400 ये रहा, सॉरी 300 और 500 है ये, तो ये आपका 300 और ये 500, ये दोनों मिले तो ये यहाँ पे आ गया। तो इस पॉइंट का नाम भी 300 500। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो सारे पॉइंट आ रहे हैं ना आपके इक्वेशन 1 के भी और इक्वेशन 2 के भी, ये सारे के सारे आपके एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो जब इस तरह से दो लाइनें एक साथ आ जाती हैं, तो आपको लाइन के ऊपर लाइन जैसे ये बनाया, तो ऐसे तीर लगा के दिखा देते हैं दो बार, यानी ये दो लाइनें आ रही हैं ऊपर नीचे इस तरह से। तो ये बन गया आपका ग्राफ। इसी का थर्ड पार्ट भी करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। किसी दिन 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो प्राइस था वो ₹160 था। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। और कुछ महीनों बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूरों का जो मूल्य हुआ वो 300 हुआ। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो इसमें भी आपको ये जो दो केसेस हैं, दो सिचुएशंस हैं, इन्हें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि इन इक्वेशंस में आपकी कोई दो चीज़ें ज़रूर होती हैं, तो यहाँ पर इस बार जो दो चीज़ें हैं वो है आपका एप्पल और ग्रेप्स, और उनका पर केजी का प्राइस। तो लेट कर लेंगे इसमें, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल
लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू रुपीज वाई। अब दो केस हैं। पहले केस में आपका 2 किलो एप्पल है और 1 किलो ग्रेप्स है, तो यानी 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 160 रुपीज़। ये 2 किलो एप्पल का प्राइस हो गया प्लस ये 1 किलो एप्पल का प्राइस हो गया और दोनों चीज़ें मिलके कितनी थी 160 रुपये। केस वन। केस टू में है आपका आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, यानी एप्पल्स तो हैं आपके 4 kg, तो ये एप्पल का प्राइस हो गया और ग्रेप्स हैं आपके 2 kg, तो 2x ये टू वाई आप ग्रेप का प्राइस हो गया और ये बनता है 300 रुपीज़। ये केस टू हो गया। अब कॉमन तो फर्स्ट इक्वेशन में तो कुछ आ नहीं रहा आपका, तो इसी इक्वेशन को आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, यानी 2x प्लस 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको, 2x प्लस वाई और ये इधर आ जाएगा 160 और ये इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, तो यानी कि ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। इसमें आपका कॉमन आ रहा है 2, तो दोनों तरफ इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप इस इक्वेशन को और लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये आपका सिंपल 1 बच जाएगा और ये 2 से डिवाइड होके 150 आ गया। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2x प्लस का y और ये 150 इधर आ जाएगा, माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो ये जो मैंने बॉक्सेस में किए हैं ये आपका एलजेब्रिकली एक्सप्रेशन है। अब आपको इसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए सेम वही काम करना जो आपने क्वेश्चन 2 में किया है, यानी अपनी इक्वेशन में से पहले 2 वैल्यूज़ निकालनी है। ये बनाए मैंने वैल्यूज़ के बॉक्सेस जिनमें वैल्यूज़ निकाल के भरनी है, ये एक्स और ये वाई, और उसके लिए पहले एक वेरिएबल को अकेला कर लेते हैं। यहाँ मुझे इस बार वाई दिख रहा है कि वाई जो है बिल्कुल अकेला है, इसका कोफिशेंट 1 है, तो मैं इसे इस बार लेफ्ट साइड ले लेता हूँ। वाई इज इक्वल टू और इधर 160 है और ये 2x इधर चला जाएगा, माइनस 2x। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं बारी बारी से x की वैल्यू भरता हूँ और मेरा एक y आता जाएगा। तो अब इसमें देख रहे हैं आप 160 लिखा हुआ है, यहाँ 150 है, तो इसमें 10 का मल्टीपल चल रहा है, तो बेहतर है आप जो भी वैल्यू लें x की वो 10 के मल्टीपल में लें, क्योंकि ग्राफ के ऊपर भी फिर आप अपने एक ब्लॉक को स्केल के रूप में 10 मान लेंगे। चलिए पहले मैं एक्स की जगह 50 लेता हूँ, तो इस इक्वेशन के अंदर फिर मेरा वाई क्या आ जाएगा, 160 माइनस 2 और यहाँ पे 50, तो 160 माइनस 100 यानी ये वैल्यू आ गई 60। तो जब मैंने एक्स 50 लिया तो y आया 60। इसे ऐसे लिख देंगे आप इस बॉक्स में। अब एक वैल्यू और चाहिए आपको, तो इस बार मैं x ले लेता हूँ, 60 ले लेता हूँ इस बार। फिर से इस बार y वाली इक्वेशन में भरेंगे तो 160 माइनस 2 इंटू 60, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 160 माइनस 62 इज़ 120 और y इज इक्वल टू आपका आ गया 40। तो जब मैंने x 60 लिया तो मेरा y 40 आया, यहाँ पे बॉक्स में भर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के मेरे 2 पॉइंट्स की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से आपको सेकंड इक्वेशन में करना है, तो सेकंड इक्वेशन के लिए भी पहले तो आप अपना ये बॉक्स ही बना लें जिसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे ये x होता है ऊपर, ये y होता है। फिर आप अपनी मेन इक्वेशन को देखें, जैसे इक्वेशन ये 1 थी
और ये इक्वेशन टू थी। यहाँ से आपको ये वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा y, अकेला है ना, तो मैं y को इस बार लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 150 राइट साइड में, और ये जो 2x है ये माइनस में इधर चला जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर मुझे बारी बारी से x में वैल्यू भरनी है और मेरा y आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, इसमें 50 से लेते हैं, एक्स की जगह पे मैं 50 ले लेता हूँ, तो वाई आ जाएगा 150 माइनस ट्वाइज ऑफ 50, सॉल्व होके 150 माइनस 100 ये आ गया 50। तो एक्स 50 लिया तो वाई भी 50 आया, और फिर से मैं एक्स को ले लेता हूँ दोबारा 60, तो वाई कितना आएगा 150 माइनस ट्वाइज ऑफ 60 यानी 150 माइनस 120 तो ये आ गया 30। तो x 60 लेने से y 30 आ गया, ये दो वैल्यूज आ गई। अब इनका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए फिर से वही सिंपल, पहले तो आप अपना ग्राफ तैयार करेंगे लाइंस खींच के, जैसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे ओरिजिन आपका जीरो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, प्लस के नंबर, माइनस के, ये इधर प्लस के, इधर माइनस के। स्केल देखिए कितना लिया है मैंने, इस बार मैंने एक बॉक्स को 10 के बराबर लिया है, तो जब 10 लिया है एक बॉक्स को तो यहाँ ऐसे चलेगा 10, 20, 30, 40, इधर प्लस के, इधर भी प्लस के, इधर माइनस के 10, 20, इधर माइनस के 10, 20 नीचे वाई के लिए। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन की आपकी जो वैल्यूज हैं वो है 50 और 60, एक्स का 50, ये एक्स का 50 है, वाई का 60 देखने के लिए यहाँ पे जाएंगे और ऐसे चलेंगे, इधर से गए इधर से गए, ये दोनों जाके जब इधर मिले तो ये पॉइंट आ गया और इस पॉइंट का नाम होगा आपका 50 60। सेकेंड पॉइंट है 60 और 40, तो एक्स पे 60 पे गए, वाई पे 40 पे गए, इधर से चलना शुरू हुए, इधर से चलना शुरू हुए, दोनों यहाँ पे आके मिले बिल्कुल 40 के सामने और यहाँ पे 60 के सामने, तो इस पॉइंट का नाम हुआ आपका 60 40। फर्स्ट इक्वेशन प्लॉट हो गई है वैल्यूज, तो इसका लाइन बना देंगे। तरह से लाइन बनेगी और ये बनाने के बाद तुरंत आप इसके ऊपर इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे जिसकी ये वैल्यूज हैं, और इक्वेशन का नाम है आपका 2x प्लस वाई माइनस 160 इज इक्वल टू जीरो। अब सेकंड इक्वेशन भरते हैं, सेकंड की वैल्यूज ये हैं 50 और 50, तो x पे 50 देखें, एक्स पे 50 और वाई पे 50 देखें, यहाँ से ऐसे चलना शुरू हुए, यहाँ से ऐसे चलना शुरू हुए, तो ये आपको पॉइंट मिल गया, ये रहा। दूसरी है 60 और 30, तो 60 पे पहुँचे, यहाँ पे 30 पे, दोनों तरफ से ऐसे चलना शुरू हुए तो यहाँ पे मिल गए आके, तो ये आपका दूसरा पॉइंट। इस पॉइंट का नाम होगा आपका 50 50, इसका नाम होगा आपका 60 30। हमेशा x की वैल्यू को पहले लिखते हैं और दूसरा y की वैल्यू को लिखते हैं। ये दो पॉइंट्स मिल गए आपको सेकंड इक्वेशन के, स्केल लेकर इनसे सीधी एक लाइन बना देंगे। ये आपकी लाइन बन गई, इस लाइन के ऊपर इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे जिसकी ये वैल्यूज थी, और इक्वेशन थी आपकी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखी हुई है 2x प्लस वाई माइनस 150 इज इक्वल टू जीरो। तो ये इसका आपका ग्राफ बन गया।
दो क्वेश्चंस थे, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हों।